नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ स्टूडियो में कोई ना कोई नई शख्सियत रहती है, उसी तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के ऑनरेबल स्पीकर साहब जनाब कविंदर गुप्ता जी, और हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट कर रहे हैं और क्या क्या नई चीजें जो हैं ये असेंबली में ला रहे हैं। जी कविंदर जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले कविंदर जी, मैं आपसे अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, कि क्या लगा आप गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए, जबकि आप रहने वाले सिटी के थे और आपको गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती भी थी वहां आपके लिए। आप जब जीत कर गए तो क्या देखा कि वहां डेवलपमेंट थी या डेवलपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी? देखिए, चुनौती स्वीकार करना मेरे जीवन का एक अंग बन चुका है जी। आप जानते हैं कि 2005 में जब मैं मेयर बना तो 71 के उस हाउस में भारतीय जनता पार्टी के केवल 25 लोग हम जीत करके गए थे, लेकिन 36 वोटें लेना और 3 बार मेयर बनना जी, वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था और उसको निभाया। और आपने ठीक कहा कि मैं जम्मू वेस्ट का रहने वाला हूँ और पार्टी ने जिस प्रकार से एक चैलेंज मुझे दिया उसको मैंने स्वीकारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले ही दिन से सभी लोग कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी टफ है, लेकिन एक विल हो और एक जज्बा होना, कॉन्फिडेंस हो तो आदमी आगे बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंस लेकर के मैं इलेक्शन लड़ने के लिए गया था जी। कविंदर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक ये आज जानना चाहते हैं, कांग्रेस का एक बड़ा दिग्गज लीडर था वहां, जो मंत्री भी रहा, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा, और क्या लगता है कि आपको डेवलपमेंट किस मुताबिक, जिस मुताबिक वो लीडर था और जिस मुताबिक उसकी छवि बताई जाती है, तो क्या डेवलपमेंट उस मुताबिक है या नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो करप्शन का एक दौर चला था उसमें वो सबसे निपुण आदमी थे जी, ये दुनिया मानती है, और उसी के कारण से जब आदमी का ध्यान उस तरफ होता है तो आदमी डेवलपमेंट की तरफ कम और दूसरी तरफ आदमी ज्यादा जाता है, और वही नतीजा उसका हुआ। कि क्यों ऐसा होता है कि सरकार का पैसा लगता है, सड़कें बनती हैं और अगले साल दोबारा बनानी पड़ती है, और इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़क बनाने के काम चल रहे हैं उसकी 3 साल की गारंटी है साथ में जी, और लोग उसकी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस प्रकार का काम हो रहा है। आने वाले समय में पूरी गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14,000 पोल्स नए लगेंगे। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, आज तक वहां जो भी पानी के लिए काम हुए, जहां पर ट्यूबवेल लगाए गए वो ट्यूबवेल डिफंक्ट पड़े हैं, जो कुछ ऐसे टैंक ओवरहेड टैंक बनाए गए जिनमें से लीकेज है जी, बिल्कुल पता नहीं वो पैसा गया कहाँ, जो हर रोज एक दावा करते थे टीवी के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, लेकिन आज वो मुझे चीज नजर नहीं आती और लोग भी समझते हैं। आने वाला समय गांधीनगर के लोगों को एक ऐसा शासन देंगे कि लोग उसको याद करेंगे। ठीक कविंदर जी, एक अहम अहम चीज, हाउसिंग डिपार्टमेंट एक बड़ा अहम डिपार्टमेंट है, खासकर गांधीनगर और जो आपका छन्नी वगैरह एरिया जो पड़ता है उसके लिए, लेकिन कहा जाता है कि हाउसिंग डिपार्टमेंट में करप्शन का बोलबाला है। एक पीयूसी पड़ा हुआ आदमी एमडी रहा उधर, और बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के उन्होंने कई ऐसे करोड़ों के प्रोजेक्ट जो दिए और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में वो 20% भी नहीं हुए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे नकेल कसेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के संविधान में लिखा हुआ है कि एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी यहां पर ऑफिसर आएगा उसको आईएएस होना जरूरी है जी, और कम से कम उसका 12 साल का करियर होना चाहिए जी। लेकिन उस पर जब किसी भी व्यक्ति को कमिश्नर के तौर पर लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं जी उसमें शक की गुंजाइश रहती है। एक इंजीनियर को कभी वहां पर लगा देना, और आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कॉरपोरेशन में फैला था तो आप सब जानते हैं, जनता इससे दुखी थी। उसी का कारण है कि जिस प्रकार से जो लैंड का लैंड यूज क्या होना चाहिए वो आपके सामने सारी जी, बिल्कुल सही है, और लोगों को उसके लिए मुश्किलें उठानी पड़ती हैं जी। इसी प्रकार से हाउसिंग, मैं कई बार कुछ इलाकों में जाता हूं तो लोग मुझे बताते हैं ये काम हाउसिंग ने शुरू किया था, और बाद में सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए सिर्फ कहीं पर जाकर के किसी चीज को तोड़ दिया गया, वहां नींव पत्थर लगा करके प्लेट लगा दी गई, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ हाउसिंग का काम। और हाउसिंग कैसा पैसा लगा सकता है गांव में,
ये पता नहीं किस प्रकार से इस पर इंक्वायरी की जाएगी। और आज भी जो मेरी जानकारी में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि प्लाट ट्रांसफर के लिए लाखों रुपए का धंधा होता है जी, उस धंधे को हम खत्म करेंगे। और हाउसिंग डिपार्टमेंट जो कि पैसा कमाने की मशीन बन गई थी जी, उसको जो कॉलोनीज बनाई हैं, जो पैसा उन पर लगना चाहिए था सिर्फ प्लाट बेच करके उन्होंने अपना काम समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं होगा जी। कविंदर जी, एक और चीज, जैसे आपने कहा प्लॉट, वहां पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि पैसे दे के वो प्लॉट अलॉट करा लिए और वो जस्ट एक एसेट के लिए रखे, क्या ऐसा कोई कानून प्रावधान नहीं होना चाहिए कि जो आदमी, जो जरूरतमंद आदमी है जिसने प्लॉट लिया, उसको घर भी बनाए? नहीं, उस फॉर एग्जाम्पल साइड पे जो एरिया रूल्स में तो ऐसा रहता है कि कम से कम, जैसे दिल्ली में आपने देखा जी, वहाँ कम से कम आपने प्लाट लिया है तो आप एक साल में इतनी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तीन साल बाद ये होना चाहिए, इस प्रकार के नॉर्म्स यहाँ पर भी बनने चाहिए। क्योंकि जो खाली प्लाट है लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए गया, वो एक गंदगी का अड्डा बन जाते जी, और उसको मुश्किलें वहां के रहने वाले जो स्थानीय निवासी हैं। रविंदर जी, आपकी तरफ से क्या हिदायत सरकार को गई, क्योंकि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए भी हैं और ऑनरेबल स्पीकर भी हैं इस समय, तो क्या क्या हिदायत गई गई सरकार को कि भाई इसको किस तरीके से किया जाए? ऐसा है कि समय समय पर उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं और उसके लिए प्रयास भी होता है, अभी समय कम हुआ है तो धीरे धीरे कोशिशें जारी हैं और जल्द ही आपको उसके नतीजे नजर आएंगे जी। कविंदर जी, एक और अहम सवाल कि हमारी जिस तरीके से गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और गांधीनगर एरिया खासकर, वो कमर्शियल ना होने के बावजूद भी आज की डेट में पूरा कमर्शियल है, तो क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसा जोर नहीं लगना चाहिए कि वो कमर्शियल हो जाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी इस प्रकार की कॉलोनीज बनती है जी, उसमें शहर बढ़ चुका है जी, और आज भी जो ऑफिस के लिए बिजनेस के जो बड़े बड़े कारपोरेटर सेक्टर हैं उनके लिए इस प्रकार की जगह की जरूरत है जी। सरकार को चाहिए था कि पहले से ही अगर कहीं एक हजार घरों का कहाँ पर अगर कोई कॉलोनी बनती है तो वहाँ कम से कम मार्केट उस हिसाब से दी जानी चाहिए जी। और दूसरा ये भी कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण से हर आदमी चाहता है, दुकानें करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी हैं, आदमी अपना धंधा करना चाहता है, लेकिन यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण से वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करता है। लेकिन इस पर जो चेक था शुरू से लगाया जाना चाहिए था, लेकिन आज उसी का परिणाम है कि शहर में कंजेशन भी हो गई है, हर जगह मार्केट बनने के कारण से वहाँ पर पार्किंग का प्रावधान नहीं है। जो भी शहर बने वो प्लान्ड तरीके से बने, उसके लिए जो भी नहीं, अब जो हो चुका है, अब जैसे नॉन कमर्शियल एरिया में, गांधीनगर नॉन कमर्शियल एरिया है लेकिन वहाँ दुकानें खुल चुकी हैं, उनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, या आपकी तरफ से एक सुझाव, क्योंकि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं, एक जाना चाहिए कि इनको कमर्शियल करके उनको ना रोज की कोर्ट में जाके दिक्कत सामने आए? तो हम नहीं चाहते कि लोगों का नुकसान हो जी, लेकिन लोग भी बेचारे भुगतते हैं, क्योंकि जहाँ पर नक्शे पास होने चाहिए उस पर कोई ना कोई नकेल होनी चाहिए, नहीं उस पर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है जानबूझ करके, करप्शन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वही कारण रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं मेयर था हर हफ्ते वहाँ पर हमने एक रूल बनाया था कि मीटिंग होती थी, और एक समय ऐसा आया कि जब कोई भी नक्शा हमारे पास बचा नहीं था, लेकिन आज हजारों नक्शे पेंडिंग पड़े हैं। तो मुझे लगता है अब अच्छे अफसर आए हैं, इसकी तरफ ध्यान देंगे, मेरी से उसकी बात भी हुई है, लेकिन ये जानबूझकर जो सिंगल विंडो का सिस्टम होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, उसी के कारण से इस प्रकार के जो हालात हैं वो पैदा होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कविंदर जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। दर्शक आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस रूप में देखना चाहते हैं? जो मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, उसमें बड़ा पॉश एरिया भी आता है और रूरल एरिया भी आता है जी, और जिस प्रकार से उनके पास रिसोर्सेज चाहिए वो है नहीं है, लेकिन हम उसके उपलब्ध कराने की, आज केंद्र सरकार द्वारा वो पूरा कहते हैं कि आप पैसा लीजिए और काम कीजिए, लेकिन सरकारों में उस पैसे को खर्च करने का और सही ढंग से खर्च करने का एक जब तक प्लान नहीं बनेगा तब तक ये चीज़ें संभव नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में हमारा ये प्रयास है कि हम कुछ बाहर के लोगों को बुला करके, कुछ एनजीओस को बुला करके, वो खाली डेवलपमेंट करना
विशेष करके हमारा राजनीति में ये रोल है कि लोगों के साथ जुड़ना और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करना, समाज को आगे आने की जरूरत है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने लिया था, जब तक लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो स्वच्छ भारत अभियान पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार से हम किसी गांव को मॉडल विलेज बनाना चाहते हैं तो लोगों का हमें योगदान चाहिए। कुछ ऐसी एनजीओज, कुछ ऐसी समाज सेवी संस्थाएं, उनको हम आगे लाएंगे और पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ हम इस चीज को निभाएंगे। आने वाला समय आपको बताएं। जी बिल्कुल कविंदर जी, देखिए बातें तो बहुत करने वाली हैं लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछूंगा और बड़ा अहम प्रश्न है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, हालांकि ये अपनी रियासत ही नहीं, पूरे मुल्क में इस समय इसकी बहुत बोलबाला है। आज हमारा नौजवान तबका जो है वो नशे की ओर बढ़ रहा है, उसको हमारी जो सेकंड लाइन जिसको कहते हैं उसको रोकने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए और किस तरीके से कदम उठाए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि नौजवानों को विशेष करके उनका चहुमुखी विकास होना चाहिए जी। उनकी मन का विकास होना चाहिए, उनकी बुद्धि का, उनके आत्मा का, उनके शरीर का, और जो स्वस्थ शरीर है वो इन तीन चीजों का पूरक है जी। तो मैं कई बार कोई जिम का उद्घाटन करता हूँ या दूसरी जगह जाता हूँ तो एक वो नौजवान भी है जो अपनी सेहत की तरफ ध्यान देता है, स्वस्थ शरीर की तरफ ध्यान देता है, उससे उसकी आत्मा, मन और बुद्धि का विकास होता है। और नौजवानों को चाहिए, और विशेष करके इसके लिए माता पिता भी नहीं कहूँगा मैं, माता जिसके साथ बच्चा ज़्यादा देर रहता है, और दूसरा जो अध्यापक, ये दोनों व्यक्ति निर्माण में, किसी भी जो नौजवान के निर्माण में बहुत उनका योगदान है, वो भागीदार बन सकते हैं जी। बिल्कुल चाहिए पहले, और स्टूडेंट उन्हीं की मानेगा अगर वो खुद उनके लिए आदर्श बनेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा, फिर नौजवानों को दिशा देनी होगी, तो निश्चय ही आने वाला जो स्वच्छ भारत के बाद स्वस्थ भारत का भी अभियान छिड़ना चाहिए जी। बिल्कुल जी कविंदर जी, इसी से जुड़ा हुआ मेन मेरा प्रश्न था कि किस तरीके से जो नशा है उसको खत्म करना चाहिए और उस पर किस तरीके से नकेल लगानी चाहिए। सख्ती से निपटना, देखो ये तो मुझे लगता है कि अपने मन से ही ये चीज़ें अगर निकले तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। किसी पर जोर देकर करना या किसी को करवाना वो ठीक नहीं है जी। हमारे संस्कार इस प्रकार से होने चाहिए। मैं आपसे आज योगा का एक बहुत बड़ा, कविंदर जी मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप एक जम्मू कश्मीर रियासत के ही नहीं सीनियर लीडर हैं, आप पूरे देश के एक सीनियर लीडर हैं और जनता आपको सुन रही है कि किस तरीके से नकेल लगानी चाहिए हमें नशे पे, कि नशेखोर जो है और जो नशा मैन्युफैक्चर करती हैं कंपनियां उनको किस तरीके से नस्तनाबूद करना चाहिए। जहां से ये शुरुआत होती है जी उस पर कम से कम नकेल लगानी चाहिए। जैसे एक प्लास्टिक का लिफाफा है जी, मैन्युफैक्चर के हो गए नकेल तो आगे यूज नहीं होगा। इसी प्रकार से जो लोग नशाखोरी, और विशेष करके मुझे लगता है जम्मू शराब की दुकानों का एक शहर बन चुका है जी। तो गुजरात की इकोनॉमी, कई बार बहाना ये लिया जाता है कि शराब की दुकानें तो उससे इकोनॉमी हमारी चलती है, ऐसा नहीं है। गुजरात भी सबसे डेवलप्ड स्टेट है और वो भी काम करते हैं, ये तो एक बहाना है। इसलिए कोई भी अपने स्टेट को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना होगा, उसके लिए बहुत से साधन हैं हमारे पास। टूरिज्म है जी, और ऐसे ऐसे यहाँ पर साधन है जिससे हमारा नौजवान को नौकरी मिल सकती है, और नौजवान का ध्यान, जब आदमी अनएम्प्लॉयड होगा सबको घर से भी धिक्कारा जाएगा, तो निश्चय ही ऐसी चीज। आज योगा की एक क्रांति आई है, नौजवानों को मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि योगा की तरफ बढ़े। तो जब प्राणायाम और योग ये स्वस्थ शरीर के लिए और स्वस्थ दिमाग के लिए भी ये ठीक रहता है जी। बिल्कुल ठीक कहा। दर्शकों ये थे हमारे साथ जनाब कविंदर गुप्ता साहब, हमारे ऑनरेबल स्पीकर जम्मू कश्मीर के, हमने इनसे बात की और आपने इनके विचारों को सुना और इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हम चाहते हैं अपनी रियासत का विकास करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास करना, जो कि पिछली सरकार ने बिल्कुल दीमक लगाई हुई थी उसको डेवलप करना, और जो कोलेशन सरकार है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनका एक ही नारा है, और मोदी जी के नक्शे कदम पे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नक्शे कदम पे ये लोग चल रहे हैं। इनका एक ही नारा है कि अपनी जम्मू कश्मीर रियासत को अमन शांति बहाल करना और मेन टूरिज्म जो है वो अट्रैक्शन जम्मू कश्मीर की उसको रखना, और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो अच्छे कामों की तरफ जाएगा, नशाखोरी की तरफ नहीं जाएगा, तो हमारी रियासत जो है उसको कोई रोक नहीं सकता पूरे देश में नंबर वन रियासत बनने से। दर्शकों इसी के साथ विदाई लेंगे फेस टू फेस के इस अंक में, अगली बार कोई नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।